आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ। अपन ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ की, जहां गोबर पर छत्तीसगढ़ की सियासत अब गर्म करने के बाद रायपुर में भाजपा नेता अजय चंद्राकर इसमें लगातार आंच तेज कर रहे हैं और गोबर से राज्य के प्रतीक चिन्ह की तुलना करके विवाद खड़ा करने के बाद चंद्राकर अब शायराना होकर हमले भी कर रहे हैं। ट्विटर पर उन्होंने अपने हमले का रूप मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा की ओर मोड़ दिया है और अब उनकी तालीम पर सवाल उठाए गए हैं। तो जवाब में विनोद वर्मा ने चंद्राकर को उनके बीते दिनों की याद दिला दी है और चंद्राकर ने लिखा है कि मुझे पढ़ पाए इतनी उनकी तालीम ही नहीं थी। इस पर विनोद वर्मा ने लिखा कि मैं कदे के बाहर हमने उसका शऊर देखा है। तो आपको बता दें कि गोबर पर अब सियासत छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और साथ ही विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं। और ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं अजय चंद्राकर का, जिसमें उन्होंने लिखा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता आशीष तिवारी जुड़ गए हैं। आशीष, छत्तीसगढ़ में अब गोबर को लेकर सियासत शुरू हुई थी तो वहीं अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। को लेकर सियासत खड़ा किया है सबसे पहले बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने। दरअसल अजय चंद्राकर ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया और ट्वीट में छत्तीसगढ़ सरकार का जो राजकीय चिन्ह है उसकी तुलना गोबर से की थी और गोबर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला यह था कि छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीदने की नीति पर काम कर रही है और जल्दी सरकार किसानों से गोबर खरीदेगी। तो ये जो तुलना अजय चंद्राकर ने की थी, इसे लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उस राजकीय चिन्ह से गोबर की तुलना किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया, विरोध की आपत्ति दर्ज की और यहाँ से सिलसिलेवार ढंग से एक बड़ा सियासी बखेड़ा राज्य में शुरू हुआ। लेकिन एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, अपडेट कर दूं कि अभी बीजेपी की यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी वर्चुअल रैली को लेकर, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल अजय चंद्राकर के संदर्भ में पूछा गया तो बीजेपी ने अजय चंद्राकर यानी अपने ही एक कद्दावर और वरिष्ठ नेता के बयान से अपने आप को किनारे कर लिया है। बीजेपी ने कहा है कि मसले पर अजय चंद्राकर के बयान से बीजेपी एक तरीके से, हालांकि शब्दों में नहीं कहा लेकिन ये आशय जरूर ये निकल रहा है कि बीजेपी ने अपने आप को इस बयान से किनारे कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ये कहा है कि अजय चंद्राकर को जो कहना था वो कह दिया उन्होंने, लेकिन बीजेपी जो है वो गोबर खरीदी का विरोध नहीं करती है। यानी अजय चंद्राकर अपने ही पार्टी में एक तरीके से आशय पर यहाँ पर जाते नजर आते हैं। जी आशीष, अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो ये उनका एक निजी तरीके से बयान बता दिया बीजेपी ने। देखिए, व्यक्तिगत बयान बीजेपी ने करार दिया है, बीजेपी का कोई बड़ा नेता इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि बीजेपी शासित जो राज्य है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहां पर सरकार जो है वो लंबे समय से गोबर और न केवल गोबर बल्कि गाय से जितने भी बाय प्रोडक्ट होते हैं उसकी खरीदी करती है। तो ऐसे में अजय चंद्राकर ने जिस तरीके से राजकीय चिन्ह के साथ गोबर की तुलना की थी तो ये आशय जा रहा था कि गोबर खरीदी का विरोध अजय चंद्राकर के बयानों के जरिए किया जा रहा है। हालांकि यही एक मसला था जिससे बीजेपी लगातार। चलिए बिल्कुल आशीष, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बात करेंगे अब राजधानी भोपाल